भारतीय समाज के पुरुष प्रधान होने की वजह से महिलाओं को बहुत अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर महिलाओं को जिन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है उनमें से जो प्रमुख हैं, दहेज हत्या, यौन उत्पीड़न, महिलाओं से लूटपाट, नाबालिग लड़कियों से राह चलते छेड़छाड़ आदि। इन महिलाओं से हिंसा संबंधी मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली के बुराड़ी इलाके से सामने आई है, जहां एक महिला के साथ हुए घिनौने कृत्य ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके से गैंगरेप की सनसनीखेज खबर सामने आई है। बुराड़ी में महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि उसके घर में उसे बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बाहर से घर का ताला लगाकर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 29 अक्टूबर को एक शख्स के खिलाफ ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का केस बुराड़ी थाने में दर्ज कराया था। साथ ही पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को यह भी बताया कि केस दर्ज कराने पर उसने बदला और केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दानिश नाम के एक शख्स के इशारे पर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में लिखा था कि गुरुवार को जब वह सब्जी लेकर बाजार से लौट रही थी, उसी दौरान कमरे पर पहुंचते ही पीछे से 3 लोगों ने उसे धक्का दिया और अंदर ले गए। फिर उसका मुंह दबा दिया और हाथ पैर बांधकर बारी बारी से तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को बेदर्दी से अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गया। किसी तरह जब महिला ने अपने हाथ खोले और मोबाइल से पुलिस को सूचना दी, मौकाए वारदात पर पहुंची पुलिस ने देखा कि दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो देखा कि महिला निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और मेडिकल कराने के बाद गैंगरेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी। उल्लेखनीय है कि बुराड़ी में आए दिन चोरी चकारी के मामले तो सामने आते ही हैं, परंतु हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे बड़े जुर्म भी लगातार सामने आ रहे हैं। क्या बुराड़ी का प्रशासन सो रहा है या प्रशासन का रुतबा और उसके शौर्य में कुछ कमी आ गई है जो इसके कार्यशैली पर एक के बाद एक बड़े दाग लगते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।